पुरुष को लेके बहुत ज्यादा बातें हुई थी कि भैया बहुत ही महंगी पिक्चर आई है, मतलब 500 करोड़ रुपए लगा दिए, फिर 100, 150, 200 करोड़ रुपए लगा दिए उसको करेक्ट करने के लिए, फिर भी सही जगह लैंड नहीं करी मूवी, लोगों के दिलों के अंदर घर नहीं कर पाई। और अब एक और बड़ी मूवी आ रही है, तो प्रभास की बैक टू बैक बड़ी 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 महंगी 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 मूवी आते चली जा रही है। इनफैक्ट सलार भी काफी महंगी पिक्चर है, 200-250 करोड़ रुपए के बीच में लैंड कर रही है वो। प्रभास की खुद की फीस जो है हर बारी 100 से 150 करोड़ रुपए होती है, और क्यों पहला दिन में वो आदमी 100 करोड़ रुपए तो ले ही आता है, बाकी मूवी बनाने वाले की इच्छा है वो कितनी अच्छी है बुरी बनाता है। अब प्रोजेक्ट जो के नाम की जो नई मूवी आ रही है उसकी उसकी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि प्रभास की खुद की सैलरी है। उसके बाद कमल हसन जी ऐड हो गए हैं नई कास्ट, और अमिताभ बच्चन तो पहले ही थे, 20-20 करोड़ रुपए ये ले रहे हैं, लगभग लगभग 10 करोड़ रुपए दीपिका पादुकोण ले रही है, और बाकी लोग सब कुछ मिला मलो के 200 से 225 करोड़ रुपए की कॉस्ट आ रही है जो सिर्फ सैलरीज हैं यानी रेमुनरेशन, और करीबन 400 करोड़ रुपए की ये मूवी बन रही है। तो 600 से 650 करोड़ रुपए के बीच में ये मूवी बनेगी, आदि पुरुष को भी ये चैलेंज कर देगी, क्योंकि आदि पुरुष का जो फर्स्ट कट बजट था वो था करीबन 500 करोड़ रुपए, और फिर वो 100 करोड़ रुपए और लगा के 600 तक पहुंचे, तो ये उसको भी पार कर लेगी। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये जस्टिफाइड है बड़ी बड़ी मूवीज का मौका देना प्रभास को, और बार बार ये देखना कि शायद वो इतनी चल रही है कि नहीं चल रही है, या आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्टर पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है? अगर आदि पुरुष कोई और डायरेक्टर बनाते तो शायद एक विजन कुछ और ही होता, प्रभास की इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, प्रभास तो वो डिमांड कर रहा है जो उसको राइटफुली मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की मूवी उसने 5 साल लगा के 2 भाग में दी बाहुबली, वो बिल्कुल जस्टिफाइड था। तो ये आपको बताना है, मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिफाइड तो है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी 150 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा मनी होता है, उससे पूरी कॉस्ट चल जाती है, डायनेमिक्स चल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बाकी चीज़ों के ऊपर ताकि वो चल पाए, और पूरा इकोसिस्टम जो होता है वो प्रेशर में फील आने लग जाता है कि इसकी कॉस्ट भी रिकवर कैसे होगी। मेरा पर्सनल मानना ये है किसी भी एक्टर की जो रेमुनरेशन है इतनी हैवी नहीं हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक फिक्स परसेंटेज मिलना चाहिए। जैसे प्रभास को अगर मुझे अगर अपने नज़रिए से देखना हो तो 50 करोड़ रुपये दिए, और बाकी फिर प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर आप ये मानते हैं आपकी पिक्चर है, तो फिर आपके पिक्चर में उसकी प्रॉफिट से आपको पैसा मिलना चाहिए, फिक्स रेमुनरेशन भी आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, और आपको कितना बड़ा शॉक लगा इतनी बड़ी बड़ी सैलरी सुन के, या नहीं लगा कि इट्स ओके, जरा कमेंट करके बताइए। बाय बाय।